Morning students, welcome in the class 9th. As we all are know that we are watching our video of subject science 1, and let's start our chapter number 13, that is carbon, an important element. Carbon an important element में ये पूर्व वीडियो में हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखा हुआ है स्टूडेंट. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिर हमने ऑब्जर्वेशन भी देखा एक एक्टिविटी के आधार पर. कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हमने देखी हुई है, और फिर यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा. आज हम लोग जो नया भाग शुरू करने जा रहे हैं बेटा, वो है रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर. जैसे कि आप देख पा रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो भाग हैं ये हैं, हमने यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में भी इसको देखा हुआ था. कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाने वाला है, क्योंकि या किया जाता भी है, क्योंकि ये जो है वो फायर को, यानी कि जले हुए कई बहुत सारे भाग को इसके अंदर केमिकल रिएक्शन बनने के बाद प्रेशर से वो आग बुझाने का काम बहुत अच्छे से करता है. इसलिए इसे फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं बेटा, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग पारंपरिक अग्निशामक यंत्र भी कहेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर है क्या. तो अ फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, यानी कि इसमें एक सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होता है. हमने इसके पहले सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र देखा हुआ है, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं बेटा. यानी इसका सूत्र क्या है, NaHCO3, है ना. इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था. देयर इज ऑल्सो डाइल्यूट सल्फोरिक एसिड प्लेस इन अ ग्लास कैप्सूल, मतलब यहाँ पे एक ग्लास कैप्सूल के अंदर डाइल्यूट सल्फोरिक एसिड लगाया गया होता है बेटा. इसकी आकृति से आपको ये समझ में आएगा. देखिए, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर की इंटरनल स्ट्रक्चर डायग्राम है. मतलब इसके अंदर ये देखिए, नीला भाग जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बड़े से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रमाण में, वो है बेटा पाउडर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि अभी मैंने आप लोग को बताया सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है. और इसी का उपयोग, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का ही उपयोग फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, यानी कि सोडियम NaHCO3. इसके अलावा यहाँ पे एक ये जो भाग दिया गया है पट्टी जैसा, है ना, इसके अंदर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का एक कैप्सूल नज़र आएगा बेटा. ये एक जो बॉटल की तरह पीले रंग की रचना आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये एक बॉटल नहीं है, ये एक कैप्सूल है. और इस कैप्सूल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है, और इस सल्फ्यूरिक एसिड के भरे कैप्सूल को यहाँ पे काले रंग के नॉब से मतलब पैक किया गया है. ठीक है, ये पैक किया हुआ नॉब जो है वो एकदम सेफ होता है, एक सुरक्षित होता है. ये नॉब कैसे भी आसानी से नहीं खुलता, इसको खोलने की एक अलग विधि होती है. जब ये नॉब खुलता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रमाण से ये सोडियम बाइकार्बोनेट को सपोर्टिंग पार्ट से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है. तो ये कैसे करता है, ये हम लोग अभी देखेंगे. तो देयर इज ऑल्सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लेस इन अ ग्लास कैप्सूल, द कैप्सूल ब्रेक्स ऑन प्रेसिंग द नॉब. जैसे ही हम लोग इस नॉब को, ये ऊपर में आकृति दिख रही बेटा, इस नॉब को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, तुरंत सल्फ्यूरिक एसिड की कैप्सूल जो है वो ब्रेक हो जाती है. ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, और यही सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के संपर्क में आती है. सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र बेटा H2SO4. ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaSCO3. तो इन दोनों को संपर्क में आने के बाद तुरंत उसके उपरांत एंड द टू रिएक्ट केमिकली, वो क्या करते हैं बेटा, एकदम केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं. और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा CO2 बाहर निकलना शुरू होता है. टू रिएक्ट केमिकली टू रिलीज CO2 गैस विच कम्स आउट. ठीक है, अब ये कैसे होता है, यहाँ पे आकर मतलब आपको ये केमिकल रिएक्शन द्वारा समझा कर बताया गया बेटा. 2NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों को मिश्रण को मिलाकर कौन सा पदार्थ बनता है, इसके अंदर Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट बनता है, प्लस 2H2O यानी पानी भी बनता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 गैस इसमें रिलीज होती है. तो अभी आपको समझ में आया कि इस कैप्सूल का उपयोग क्या है, इस कैप्सूल में सल्फ्यूरिक एसिड रखने का उपयोग क्या है, ताकि इसका नॉब प्रेस करने के बाद तुरंत ये सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके
CO2 गैस को बाहर निकालें। तो CO2 बेस फायर एक्सटिंग्विशर डू नॉट कॉज करोजन एंड आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये जो CO2 अग्निशामक यंत्र होते हैं, इस ये एक तरह के विद्युत अवरोधक भी होते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि देयरफॉर दीज आर यूज व्हेन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कैचेस फायर। मतलब मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिकल शॉप में या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई और वहाँ पे हम लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया, तो ये एकदम सेफ हो जाता है क्योंकि इन इक्विपमेंट्स को कभी भी फायर कैच नहीं कर सकता। फायर एक्सटिंग्विशर से यदि हमने इसका CO2 गैस का उपयोग किया तो ज़्यादा जो मात्रा में जला हुआ भाग रहेगा दुकान का, उसे आसानी से बुझाया जा सके इस CO2 गैस से, ठीक है। इसी का उपयोग, मतलब यंत्रों में आग लगने पर इनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया कि CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज टू एक्सटिंग्विश स्मॉल स्केल फायर। मतलब CO2 अग्निशामक यंत्र जो हैं वो छोटे स्तरों की आग बुझाने के लिए काम में आता है बेटा, ठीक है। नहीं तो आपको ज़्यादा मात्रा में आग लगी हो तो उसे बुझाने के लिए हमें अग्निशामक वाहन को फ़ोन करके कॉल करके बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये मतलब CO2 बेस फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो सब बहुत कम छोटे स्तर से आग बुझाने के लिए ही काम में आती है। इट इज़ बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू एक्सटिंग्विश अ बिग फायर। यदि बड़े पैमाने पर लगी आग को रोकना है तो CO2 अग्निशामक जो हैं वो उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। इन मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर लिक्विड एंड सॉलिड CO2 इज फिल्ड अंडर प्रेशर। आजकल जो नए मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर आ रहे हैं उसमें लिक्विड और सॉलिड जो CO2 है वो प्रेशर द्वारा अंदर फिल किए गए होते बेटा, ठीक है। मतलब लिक्विड और सॉलिड के रूप में CO2 जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आजकल के मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर में भरे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर से भरे जाते हैं। ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर, जैसे ही आपने उसका प्रेशर रिड्यूस किया या नॉब को प्रेस किया तो इट बिकम्स गैसियस एंड कम्स आउट फोर्सफुली थ्रू अ हॉर्न लाइक होज पाइप। यानी कि जैसे ही आपने इसका प्रेशर कम किया तो ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत फोर्सफुली भरी हुई, वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली बाहर आ जाती हैं और हॉर्न लाइक होज पाइप की तरह वो वर्क करने लगती है। वक्राकार नली से वो बाहर आती हैं और दाब करने कम करने पर वो जोर से नली से बाहर निकलती है, ओके। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पे नली नज़र आ रही है इस नली से वो बाहर निकलती है बेटा, ओके। अब केमिकल रिएक्शन, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस रिएक्शन है, संतुलित है। इसको यदि आपने चेक किया है तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स आपने लिए हुए हैं वो दोनों जगह आपको समान दिखाई देंगे। तो नाउ अ डेज मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वे CO2 इज यूज इन द एम2 एक्सटिंग्विश अ फायर। आजकल बहुत ज़्यादा पैमाने में फायर एक्सटिंग्विशर की अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। और देखिए, इसका उपयोग आप लोग ऐसे ज़्यादातर ऐसे जगह पर देखोगे कि जहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया या स्कूल हो गए, है ना। ऐसी जगह पे अगर मान लीजिए कि आग लग गई तो तुरंत इसको बुझाने की शुरुआत जहाँ से आग शुरू हुई है वो उग्र रूप न धारण करें, बड़ी ना बने, इसलिए इसको वही कम सीमित समय पे तुरंत बुझाने के लिए इसका काम हम लोग इसका उपयोग कर सकते बेटा। तो यहाँ पे CO2 किस तरह से फायर एक्सटिंग्विश में काम करती है इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोला गया है, या आप गूगल से ज़रूर निकाल सकते बेटा। अब चलते हम लोग अगले भाग की तरफ, हमारा वो है मीथेन। मीथेन यानी कि जिसका मॉलिकुलर फार्मूला बेटा CH4, जैसे इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मीथेन यानी कि सी बीच में है और उसके चारों साइड में चार हाइड्रोजन इसके बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं हम लोग, वो हमने इसके पूर्व वीडियो में देखा हुआ है बेटा। तो मीथेन का जो मॉलिकुलर मास होता है वो होता है 16, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज हम लोग मीथेन के बारे में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने चर्चा की हुई थी, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कार्बन डाइऑक्साइड की देखी हुई थी, उसी तरह हम लोग आज
मीथेन के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, और हम लोग मीथेन का यूज भी देखेंगे, ठीक है। और मीथेन के बाद फिर है बायोगैस प्लांट। ये बायोगैस प्लांट हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे, तब तक हम लोग मीथेन के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये मीथेन दिखता कैसे, ये होता क्या है? सो मीथेन ऑकर्स इन नेचुरल गैस टू द एक्सटेंट ऑफ 87%। मतलब प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस लगभग 87% देखने में आता है। दूसरा है बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द अब्सेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस मीथेन। मतलब जैविक पदार्थों की, मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, जो जैविक पदार्थ है, उनका डिकम्पोजिशन जब होता है, विघटन होता है, तो उनकी विघटन होते समय उनकी हवा की अनुपस्थिति में मीथेन की निर्मिति आसानी से की जा सकती है। मतलब वहाँ पे एयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है तब उसमें मीथेन गैस ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होती है। ज़मीन के अंदर हवा ना के बराबर ही होती है ना, नहीं है ऐसी समझ के चलिए। तो इसलिए वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर यदि किसी जैविक घटक को दफनाया जाए और उसका विघटन हो, तो उसमें मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है बेटा। तीसरा ऑकरेंस है, मीथेन इज प्रेजेंट इन अ बायोगैस। बायोगैस के बारे में आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल उपयोग में लाई जाने वाली एक पद्धत है, जिसमें बायोगैस के द्वारा मीथेन की निर्मिति की जाती है। तो ये मीथेन ये मुख्य रूप में बायोगैस में पाया जाता है। चौथा ऑकरेंस है, मीथेन इज फाउंड इन अ कोल माइन। मीथेन जो है वो कोल माइन में भी पाया जाता है बेटा। पांचवा पॉइंट है, मीथेन इज फाउंड एट द सर्फेस ऑफ मार्शी प्लेसेस, विच इज़ वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस। तो मीथेन जो है वो ज़्यादातर दलदल में, दलदल की सतह पर पाया जाता है, इसलिए इसे मार्श गैस भी कहते हैं, ठीक है। दलदल वाले सतह पर इसे पाया जाता है बेटा। और सिक्स है, ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हम हाइड्रोजन H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, यदि मान लो कि इन दोनों को हीट करें, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को, गैस को, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर हीट करें, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट। और उसके साथ साथ कौन सा कैटलिस्ट होना चाहिए, निकेल कैटलिस्ट भी उसके साथ होना चाहिए, तो आसानी से मीथेन गैस बनाई जा सकती है। मतलब ये बहुत सारी अच्छी अच्छी पद्धतियां हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए बेटा, कि मीथेन गैस का स्वरूप जो है, जो कि बायोगैस में बहुत अच्छे से पाई जाती है, इसका हम लोग एक जैविक ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते बेटा, है ना। तो ये कैसी बनाई जाती है हमको पता होनी चाहिए। तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर निकेल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर गर्म करें तो इसको, इसके बाद मीथेन गैस बनती है। सातवां पॉइंट है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस गिव्स मीथेन इन प्योर फॉर्म। यानी कि प्राकृतिक गैस के शुद्ध स्वरूप में मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है। कैसे, उसका भंजक आसवन करके। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब नेचुरल गैस का हमको डिस्टिलेशन करना होगा, तब जाके मीथेन गैस प्योर फॉर्म में हमें प्राप्त हो सकती है। तो अब इसके बाद दिया गया बेटा आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन में फर्स्ट पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मीथेन हीट। इसका मीथेन कौन से पॉइंट पर मेल्ट हो सकता है, मतलब गल सकता है, गलनांक बिंदु जो होगा वो होगा -182.5 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होगा बेटा, जिसको हम लोग क्वथनांक बिंदु कहते हैं। मतलब इस मीथेन को बॉइल होना शुरू हो जाएगा वो, तो ये है बेटा -161.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब ये पहले बॉइल हो जाएगा, और मान लो कि और इसको हीट किया जाए तो ये मेल्ट होना चालू हो जाएगा -182.5 डिग्री सेल्सियस। तीसरा पॉइंट है, इट इज़ अ कलरलेस गैस, मतलब इसका कोई कलर ही नहीं है। चौथा है बेटा, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। मतलब इसका ये जो द्रव रूप मीथेन होता है, ठीक है, द्रव रूप अवस्था में पाए जाने वाला जो मीथेन होता है, इसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम होता है। मतलब जैसे पानी बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, लेकिन घनत्व का पानी और लिक्विड मीथेन अगर हमने दोनों में कंपैरिजन किए, तो पानी का घनत्व ज़्यादा होगा और लिक्विड मीथेन का घनत्व कम होगा।
पांचवा है मीथेन इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, इट इज हाईली सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक गैसोलीन, ईथर एंड अल्कोहल। मीथेन जो होता है वो तो बहुत कम मात्रा में घुलनशील है, पानी में घुलनशील होता है, परंतु गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल जैसे कार्बोनिक विलयनों में यह ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में घुलनशील होता है। छठवां पॉइंट है मीथेन इज इन अ गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, मतलब मीथेन जो है वो रूम टेम्परेचर में, मतलब आज हमारा जो आज अभी आसपास का जो रूम टेम्परेचर है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, मतलब वो द्रव रूप में ना होता है ना ठोस रूप में होता है, वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में ही होता है। अब इसके बाद है बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मीथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, अत्यधिक ज्वलनशील। इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लूइश फ्लेम, मान लीजिए कि यदि हवा में ये मीथेन गैस जलने लगी तो उसकी फ्लेम जो होगी वो नीले रंग की बनी हुई आपको दिखाई देंगी। इन दिस रिएक्शन 213 किलो कैलोरीज पर मोल ऑफ हीट इज गिवन आउट, मीथेन बर्न्स कम्प्लीटली, मतलब जैसे जैसे कभी नीली रंग की फ्लेम मीथेन से आ रही हो तो इसमें इस रिएक्शन में ये जो खाली नीचे जो एक रिएक्शन दी गई है, इस रिएक्शन में एक आपको यहाँ पे बताई गई है कि मीथेन का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होता है तो CO2 गैस मुक्त होती है, हाँ, और पानी भी बनता है, बस बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे निर्मित होती है। तो इसके लिए जो हीट निकलती है वो कितनी होती है बेटा, 213 किलो कैलोरी पर मोल, और मीथेन जो होता है वो पूरा का पूरा जल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दिया बेटा दूसरा पॉइंट आपको इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन में, दूसरा एक इसकी प्रॉपर्टी है क्लोरीनेशन। तो मीथेन एंड क्लोरीन, देखिए मीथेन यहाँ पे CH4 ये सूत्र है मीथेन का और क्लोरीन का सूत्र है Cl2, इन दोनों के रिएक्शन के बाद आपको हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड यहाँ पे प्राप्त होता है, और CH3Cl जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है जिसको हम लोग मिथाइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो क्लोरोमीथेन की प्राप्ति हम लोग इससे कर सकते हैं। तो जब मीथेन और क्लोरीन गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर एट अ टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर हम लोगों ने 250 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन और क्लोरीन गैस को जलाया तो मतलब 250 से 400 डिग्री सेल्सियस पर इसको जलाना है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, क्या होना चाहिए इसके साथ साथ लाइट प्रकाश भी होना चाहिए, अल्ट्रावायलेट लाइट भी होना चाहिए। जब अल्ट्रावायलेट लाइट की संगत में मीथेन और क्लोरीन को 250 से 400 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जाता है, इट फॉर्म मेनली मिथाइल क्लोराइड, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मिथाइल क्लोराइड यानी क्लोरोमीथेन बनाता है, उससे क्लोरोमीथेन हमें प्राप्त हो सकता है एंड हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, और इसी रिएक्शन को हम लोग मीथेन क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन भी कहेंगे बेटा, ठीक है। अब इसका आखिरी भाग दिया गया बेटा यूजेस ऑफ मीथेन, मीथेन के यूज़ कौन कौन से हैं। तो मीथेन इज द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इन इज यूज इन इंडस्ट्रीज सच एज फैब्रिक मिल, पेपर मिल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेट्रोल प्यूरिफिकेशन, जैसे बता ये बहुत ज़्यादा उपयोगी मीथेन गैस इस तरह है कि ये नेचुरल गैस के रूप में होती है और इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि वस्त्रोद्योग हो गया, कागज निर्मित हो गई, फिर अन्न प्रक्रिया उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब फूड को प्रोसेस करना है ज़्यादा दिनों तक, महीनों महीनों तक या साल साल तक अगर फूड को प्रोसेस करके रखना है तो, और पेट्रोल शुद्धिकरण में भी, पेट्रोल की शुद्धिकरण में भी मीथेन का उपयोग किया जाता है। तो यूजेस ऑफ मीथेन ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, ये भाग आप लोग अच्छे से करके रखिए। दूसरा है बींग द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन द प्रोपोर्शन ऑफ CO2 रिलीज इन द कम्बशन ऑफ मीथेन इज स्मॉल एंड देयर फॉर इट इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन सबसे कम लंबाई वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, इसमें CO2 की प्रोपोर्शन जो है वो रिलीज हो जाती है, मतलब मीथेन के ज्वलन से उत्सर्जन होने वाली CO2 का अनुपात बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है, मतलब इसमें कम मात्रा में हाइड्रोकार्बन होने की वजह से जो CO2 रिलीज करने की प्रोपोर्शन होती है मीथेन गैस जलने के बाद वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है।
इसीलिए इसका सॉरी बहुत कम मात्रा में होता है, तो इस वजह से इसका उपयोग जो है वो हमें डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी किया जा सकता है। बहुत कम मात्रा में ये उत्सर्जित होता है और बहुत कम मात्रा में हमें खाना पकाने में उपयोगी आता है, इसलिए इसका उपयोग डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी किया जा सकता है। और तीसरा आखिरी यूज़ है बेटा, मीथेन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड एंड एसिटिलीन। मतलब देखिए, मीथेन का उपयोग कुछ अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि इथेनॉल करने इथेनॉल बनाने के लिए, फिर मिथाइल क्लोराइड बनाने के लिए, मिथिलीन क्लोराइड और एसिटिलीन बनाने के लिए भी मीथेन का उपयोग इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। अब देखिए बेटा, जो पोर्शन आज मैंने आप लोग को पढ़ाया है वो आप लोग घर में अच्छे से पढ़िए और इसके बाद इसको याद करने की भी कोशिश कीजिए। और अगले भाग में हम लोग बायोगैस प्लांट जरूर देखेंगे और इसके प्रश्नोत्तर देखने की ढूंढ के लिखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।